सो एक काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों ओपन मार्केट प्लेसेस हैं, कोई भी उस पे सेल कर सकता है एंड तीनों में बहुत ही भयंकर कंपटीशन भी है। इसके बावजूद भी ऐसा कैसे कि तीनों अपने अपने स्पेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और तीनों काफी अच्छी सेल, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि आपके देखने में हो सकता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो का सेम बिजनेस मॉडल हो, बट तीनों अलग अलग कंसेप्ट पे काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अगर मीशो की, तो मीशो फोकस करता है स्मॉल सेलर्स, जो स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जो अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमम बजट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, लाइक कंपनी वगैरह नहीं है, कोई जीएसटी वीएसटी को ज्यादा, उनको मतलब ज्यादा इन चीजों की नॉलेज नहीं है। सिंपल उनके पास एक छोटा जीएसटी वो बना लेंगे और अकाउंट है और बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो मीशो हमेशा ऐसा टारगेट करता है। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट हर एक स्टेब्लिश सेलर, जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, जो अच्छा रेपुटेड सेलर है, उस पे फोकस करता है। और अगर बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन हमेशा फोकस करता है फ्री होने पे। अमेजोन हमेशा फोकस करता है अपने वेयर हाउस को यूज करवाने पे, कि आप घर से अपने बिजनेस को, अपना सिर्फ आप माल वेयर हाउस पे भेज दीजिए, उसके बाद फ्री होके आप वेकेशन पे जाइए और आपका बिजनेस एफबीए से चलता रहेगा। तो ये था तीनों का बिजनेस मॉडल, लाइक करके जरूर जाना।